हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 5 to the power a = 6 to the power b, देन 25 to the power a by b प्लस 36 to the power b by a = क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास गिवन है 5 to the power a = 6 to the power b। इसी क्वेश्चन में पावर में हम 1 by b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 by b, इस साइड भी 1 by b। यहाँ देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा और इस a का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगा 5 to the power a by b = 6। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। अगेन हम इस इक्वेशन को देखते हैं, 5 to the power a = 6 to the power b। इस बार पावर में हम 1 by a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 by a, इस साइड भी 1 by a। यहाँ देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा और इस b का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यहाँ हमारे पास मिल जाएगा 6 to the power b by a = 5। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। अब हम इसी इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इसके पावर में a बाई बी, प्लस 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इसके पावर में b बाई ए। अब यहाँ देखिए एक्सपोनेंट रूल से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 to the power a by b का होल स्क्वायर प्लस 6 to the power b by a का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, 6 और 5, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 36 प्लस 25 इज़ इक्वल टू 61। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 61। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।